कि 108 का जो सर्विस है, आई थिंक अपना महाराष्ट्र 19 स्टेट है कि जिसमें 108 का सर्विस है, लेकिन महाराष्ट्र में ये खासियत है कि 108 एम्बुलेंस सर्विस के साथ एम्बुलेंस में एक ट्रेन डॉक्टर है। ये मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो सबसे बड़ा इशू रहता है ट्रैफिक का। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज है वो ट्रैफिक से एम्बुलेंस लेके जाने का और हॉस्पिटल तक पेशेंट सेफली जल्दी से जल्द, जो गोल्डन हावर बोलते हैं, जो एक घंटे के अंदर पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट देना है तो जल्दी से जल्दी ट्रैफिक कैसा क्लियर करके पेशेंट हैंडओवर करने का बड़े अस्पताल में, वही सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग फेस करते हैं। माझं नाव सुनील चौहान आहे, मी 108 गाडीवरती पायलट आहे, मला एक वर्ष झालं। बहुत बुरा लगता है, मतलब टाइम पे पेशंट को अगर नहीं पहुँचाएंगे तो पेशंट को भी तकलीफ होता है, पेशंट के रिलेटिव भी हर्ट हो जाते हैं, फिर टाइम पे पहुँचाना तो पड़ता ही ना, नहीं पहुँचाएगा तो उनको भी बुरा लगेगा, अपने को भी बुरा लगता है। मी लोकांना एवढं सांगेन की जेव्हा गाडीचा हॉर्न चालू असतो आणि जेव्हा पेशंट असतो गाडीमध्ये तर त्यांनी असं आपलं समजून साईड द्यायला पाहिजे, माईकवरती बोलायची वेळ नाही आली पाहिजे। आठ पे तो 700-800 कॉल डेली होते ही रहते हैं और उसमें से इमरजेंसी जो बोल सकते हैं एक 200-250 तक तो इमरजेंसी रहते होंगे। ट्रैफिक में कभी कभी क्या होता है, पेशेंट समझो अगर ज़्यादा ही सीरियस है, पेशेंट के पैरामीटर्स सडन चेंज हो रहे हैं तो, और उस बीच में अगर एम्बुलेंस अगर ट्रैफिक में फंस जाती है तो बहुत बुरा लगता है और टेंशन भी आता है, स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि एक तरफ पेशेंट का जान का खतरा रहता है, दूसरी तरफ रिलेटिव्स रहते हैं, रिलेटिव्स को भी थोड़ा सा पेशेंस नहीं रहता है, वो भी एकदम ये गड़बड़ी करने चालू कर देते हैं। लेकिन पायलट भी हमारा जो रहता है वो जितना हो सके सुपीरियरली, जितना ही हो सकता है उतना वो कोशिश करता है कि ट्रैफिक जल्दी से जल्दी क्लियर करे। किसी की जान ये अपने पर्सनल टाइम से बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। प्लीज मेक वे फॉर एम्बुलेंस। एम्बुलेंसला रस्ता द्या। एम्बुलेंसला रस्ता द्या। एम्बुलेंसला रस्ता द्या। एम्बुलेंसला लवकरात लवकर मार्ग द्यावा। प्लीज मेक वे फॉर एम्बुलेंस। मेक वे फॉर एम्बुलेंस।